इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं FPV ड्रोन्स के बारे में। FPV ड्रोन में कितना बजट लगता है और FPV ड्रोन कितने हाइट्स पे जा सकते हैं, FPV ड्रोन बनता कैसे है और FPV ड्रोन को कौन सा पार्ट आपको सेलेक्ट करना होता है, अच्छा फ्रेम, अच्छी BLDC मोटर, अच्छी AC के बारे में। तो चलिए शुरू कर दें इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो पहले बारे में बात करेंगे जो कि है उसका फ्रेम, जो कि FPV जो लगता है तो आपको कार्बन फाइबर लेना पड़ता है। कार्बन फाइबर फ्रेम क्या करता है कि क्रैश होने के बाद टूटता नहीं है। तो कार्बन फाइबर फ्रेम जो कि बहुत ही महंगा मिलता है मार्केट्स में गाइस। अब दूसरे बारे में बात करेंगे जो कि है उसका जो BLDC मोटर कितने में लेंगे लेना चाहिए। देखो गाइस, ईमैक्स का जो BLDC मोटर है कम से कम आपको 2200 KB का डालना पड़ता है। उसके साथ आपको सिंगॉन AC डालना पड़ता है। 30 से लेकर 40 ampere तक आपको सिंगॉन AC डालना पड़ता है, जो कि फ्लाइट कंट्रोलर है KK2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर आराम से चल लेंगे उसमें। फ्लाइट कंट्रोलर KK2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर लगाओ, क्यों बोले तो आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। और दूसरे पॉइंट पे बारे में बात करेंगे जो कि प्रोपेलर कोसा आपको डालना चाहिए, 6 इंच का या 10 इंच का। देखो गाइस, FPV ड्रोन में आपको 6 इंच का प्रोपेलर, 6 इंच से लेके 8 इंच तक आप 8 इंच तक नहीं डाल सकते हो, 6 इंच से लेके 5 इंच तक ही डाल सकते हो, 3 ब्लेड और 6 ब्लेड गाइस। अब दूसरे बारे में बात करेंगे जो कि है अपना FPV ड्रोन में कौन सा कैमरा लगाना। देखो गाइस, जो GPS लगाने के बाद आपको स्टेबिलिटी तो अच्छी मिलेगी, लेकिन आपको कैमरा कौन सा लगाना चाहिए। देखो गाइस, GoPro अच्छा रहेगा। उसके बाद FPV जो कैमरा आता है, जो मॉड्यूल आता है, वो भी अच्छा रहता है। जो भी महंगे मिलते हैं करीबन 1000 से लेकर 2000 तक, दो ही मार्केट प्राइस है गाइस। दूसरे बारे में बात करेंगे कितने हाइट तक ये जा सकता है। देखो कि कम से कम ये 6-7 फीट तक तो जा सकता है। फुल टोटल 20 टोटल देते ना अपन, 20% टोटल दिए तो कम से कम ये बहुत स्पीड भागता है गाइस, बहुत स्पीड भागता है अपना ये FPV क्वाडकॉप्टर गाइस। तो आपको कंट्रोल करने से पहले सोचना पड़ता है कि आप क्या कंट्रोल कर रहे हो, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो ये सब अपन को लगाना पड़ता है जब कहीं अच्छा FPV ड्रोन बनता है गाइस।